हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हो रही है जनाब मेरी वापसी विंडसर से, अपने होम। यस, मैं वापस आ रही थी तो सोचा चलें क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। एंड ये जो है विंडसर का एरिया है जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं, प्लस हम लोग जा रहे थे आज रिवर साइड पे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद फैमिली के साथ बाहर आने का मुझे चांस मिला था। तो मैंने सोचा चलो आए हुए हों तो ज़रूर रिवर साइड पे भी होकर आ जाएं, क्योंकि ये जो एरिया है ना काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है। और साथ ही इसका प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका का जो बॉर्डर है वो सामने से बिल्कुल दिखता है, और सामने से अमेरिका भी बहुत साफ और अच्छे से दिखता है। तो मैंने सोचा चलें शेयर किया जाए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो एरियाज़ हैं ये है यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आके जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हो। सो इधर भी आके जो है इनकी स्टडीज़ वगैरह होती है। काफ़ी ये पुरसकून एरिया है, बहुत बहुत ज़्यादा पुरसकून एरिया है गाइस। और अगर जिनको यानी कि रहना है, पसंद है ख़ामोशी के प्लेस पे, पुरसकून हो जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो, तो उनके लिए ये जो सिटी है काफ़ी काफ़ी बेस्ट है अगर आप कैनेडा में रहते हैं तो। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पर रहते हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स तो हो ही गए हैं, और उनको ये जो जगह है ना विंडसर की बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो जो है ज़्यादातर इधर ही रहना पसंद करते हैं। मोस्टली जो मेरी फैमिली है टोरंटो की साइड को ही रहती है, और पेरेंट्स का जो है चक्कर वगैरह लगता रहता है, वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर चक्कर लगा लेते हैं, या फिर सिस्टर्स वगैरह जो हैं आके मिलजुल के चले जाते हैं मिलने के लिए। मेरा मोस्टली जो होता है ना बहुत कम जाना होता है, मैं ईयर में एक दफ़ा या जब मेरा दिल होता है ना तो मैं चली जाती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने कहा कि यार बहुत टाइम हो गया 3 ईयर्स, और पैंडेमिक की वजह से जो है ना मैं जा नहीं सकी थी, तो अब जब ज़रा ये ओपन हुआ है तो मैंने सोचा चलो जिया जाया जाए जिया जाए। एनीवेज़ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हम लोग किस एरिया में आ गए हैं, और ये जो है बिल्कुल सामने जो है ये रिवर साइड का एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ, देखें कितना खूबसूरत सा ये है एरिया। एंड यहाँ पे जो है हाउसेस भी बने हुए हैं बिल्कुल इसके साथ ही, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं कि अगर लाइक स्पेशली जो है ना नाइट टाइम पे मैं कहती हूँ बहुत अच्छा मज़ा आता होगा इन लोगों को जिनके हाउस हैं करीब में। विज़िटर्स के लिए मेरे ख़्याल से तो ये गुड प्लेस है, लेकिन अगर आप रहते हैं यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि यानी कि शोर हो रहा है, कार्स आ रही हैं, तो आई डोंट नो कि उन लोगों की क्या कंडीशन होती होगी, लेकिन फिर भी ये जो एरिया है ना, ये जो सिटी है बहुत पुरसकून है। तो यहाँ पे जो है हमने अपनी कार को कर दिया था पार्क, साथ में मैंने ले ली थी चिकन विंग्स, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे में। और अभी जो है बच्चे जो है ना आके खड़े हो गए थे, एंड ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको थोड़ा जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आना जाना, यानी कि वीडियोज़ वगैरह में भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा सा जूम इन वो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो है ना ये अमेरिका का है पूरा जो है बिल्डिंग्स वगैरह, ये अमेरिका की तरफ की हैं, और बीच में आप देख सकते हैं रिवर साइड रिवर है, और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी बर्फ़ वगैरह आपको स्नो की टाइल्स जो है ना ये नज़र आ रही होंगी तैरती हुई, तो ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्लस यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये ब्रिज है जो कि काफ़ी काफ़ी बहुत बिग है, और कार्स जो है ना यहाँ से आ जा रही थी। अनाया और अरहम जो थे ना वो काफ़ी फ़न कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये जो है ना इन लोगों की माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंडशिप बहुत बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को बहुत बॉदर भी करते हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। सो अभी आप देखें यहाँ पे क्लिप्स थोड़े से, एंड मैं जो हूँ अभी बच्चों को सोचा चलो थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो भी वीडियो शूट कर रहे थे, एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ लग गए थे बातें बातें करना, आई मीन सीरियसली। और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ बच्चों को लेके, तो मैंने कहा चलो हम आके को थोड़ा सा वॉक करने के लिए चलते हैं। सो इनको थोड़ी सी बस मैंने वॉक कराई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जाने लगी तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि चलो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमें तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर, और हमारा इसके बाद का जो ट्रैवल था वो काफ़ी लॉन्ग था एंड थका देने वाला था। मेरे लिए तो थका देने वाला तो नहीं होगा, बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो रहे, तो मैं जो हूँ काफ़ी इन्जॉय करती हूँ लॉन्ग ट्रिप अगर मेरी फैमिली मेरे साथ हो तो। एंड देखें ज़रा अरहम को कितना ये फ़न कर रहा है। और यहाँ पे जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्लिप्स वगैरह कुछ अपने किड्स के और मेरे प्लस अपने हस्बैंड के भी एक दो फोटोज़ तो ज़रूर करूँगी शेयर। तो यहाँ पे देखें ये मेरे हस्बैंड हैं, एंड यहाँ पे है मेरा बेटा अरहम, अनाया एंड मी, और
यहाँ पे भी अनाया मेरे साथ है, और यहाँ पे जो है मेरा बेटा है। इसको मैंने बोला कि भाई मेरे साथ पिक्चर ले लो, मैं तुम्हारी ये नहीं डालूंगी क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे मैं उसको कह रही हूँ स्माइल करो, एंड जब उसने देखा मम्मा पिक्चर ले ली तो फ़ौरन गायब हो गया। और यहाँ पे ये देखे उसने अपनी पिक्चर्स हाइड की हुई हैं कि बस नज़र ना आऊँ मैं, लेकिन मैंने भी एक डाल ही दी। ये मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा फ़न करता है, मेरे बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरे साथ। Colada alcohol sipping. No, yeah, people's egg chart. I'm dripping. Jigam, the handphone, a bitchin. Only more silly, not in tripping. Not in tripping. Yeah, colada alcohol sipping. No, yeah, people's egg chart. I'm dripping. Jigam, the handphone, a bitchin. Only more silly, not in tripping. 나는 trippin' Yellow pina colada 말보다 헤네시의 콜라타 우리 창은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라 하는 게 cute like pie 아람 아람이다 아주 picture 내 니에다 그려줘 He just spins like really fast until he catches on fire I'm a sound ninja. Okay, the quiet study. Yeah. So, अब जो है हमारी हो चुकी थी वापसी, हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, और अब जो है ना काफी टायर्ड जो थी, ड्राइविंग स्टार्ट होने वाली थी। ट्रैवल काफ़ी लॉन्ग होने वाला था क्योंकि और हम जो है वो लॉन्ग ड्राइविंग कर नहीं सकता क्योंकि जब वो करता है तो उसको वॉमिट वगैरह, उसकी सिकनेस शुरू हो जाती है। स्पेशली जो खाने का जब टाइम होता है ना, वो जब कुछ खा के जगह बैठता है ना तो फिर उसके लिए काफ़ी ट्रबल होता है। तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं कि वो जब ट्रैवल कर रहे हो तो वो कुछ भी ना ले। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये फैंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक्स है, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना ये लोग बनाते हैं, और ये काफ़ी ह्यूज फैन है, बहुत ज़्यादा बिग। और ये पूरे जो है ना विंजर की साइड को ये लगे हुए हैं। जब ये स्टार्ट होता है ना विंजर का एरिया, तब ये स्टार्ट यानी कि शुरू हो जाते हैं आना, और इसके थ्रू हम पता चल जाता है कि भाई अब हम विंजर के एरिया में पहुँच चुके हैं। तो अभी हमें वापस हमारी हो रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसके भी थोड़ी सी वीडियो को शेयर किया जाए। सो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट ड्राइव करते हुए 1 आवर हो चुका था, तो हमने सोचा कि चलो अब जो है हम लोग गैस को फिल करवा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो बीच का जो एरिया आता है हम वहीं से गैस स्टेशन से गैस भरवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गैस काफ़ी ज़्यादा चीप होती है। एंड आजकल तो आपको पता ही है कि गैस कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। एंड यहाँ से गैस स्टेशन से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ले ली थी फ्रेंच वनीला, क्योंकि ठंड बहुत थी। मैंने हालांकि उनको बोला भी नहीं था कि मुझे कॉफ़ी या फ्रेंच वनीला या कुछ भी लेना है, लेकिन वो क्योंकि बच्चों को लेनी थी स्लशी वगैरह, एंड वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पी सकती हूँ ठंडी चीज़ें ठंड के अंदर। सो ज़्यादातर मैं फ्रेंच वनीला या कॉफ़ी वगैरह ही लेती हूँ, तो वो लेकर आ गए थे, तो काफ़ी मेरे लिए मुझे एनर्जेटिक रहा। एंड फिर हम लोगों ने अपने ट्रैवल को स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है विंजर हमारे घर से जो है ना 2.5 से लेकर 3 आवर की जो है ना वो ड्राइव होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाओ तो आप ऑलमोस्ट 2.5 आवर में अपने घर जा सकते हो, यानी हमारी सिटी तक आ सकते हो, अदरवाइज़ जो है काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो अब जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे ये देखे जब हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे इतनी सारी डक्स थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं ये देख के हैरान रह गई। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो शूट करती हूँ इसकी, आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा थी। अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये जो थी ना काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अमेज हुई थी कि ये आई कहाँ से हैं और ये कर क्या रही हैं यहाँ पे। तो बीच में जो है ना ये ट्रीज़ आ गए थे तो वीडियो बना नहीं सकी फिर उसके बाद। एंड उसके बाद जो है ना हम लोग कार में ही थे, तो हस्बैंड जो है और हम लोग जो है ना चिकन विंग्स वगैरह जो थे वो खाने लगे, क्योंकि हम लोग ने ले लिए थे, मेरे भाई की शॉप है तो हम लोगों ने जाने से पहले वहीं से उठा लिया था सामान वगैरह। एंड यहाँ पर जो है मेरे घर का एरिया आ गया है, एंड आप देख सकते हैं कि कितनी स्नो हुई है, और उसको देख के जो है ना
मेरा मूड जो था ना बहुत बुरे तरीके से ऑफ हो गया था। सन भी देखें कितना खूब चमक धमक कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस यहाँ पर जो है ना यही प्रॉब्लम होती है कि ठंड में जो है ना बहुत ज़्यादा सन जो होता है ना आपकी आइज़ पे पड़ता है, जिसकी वजह से आप ड्राइव नहीं कर सकते। स्पेशली उन लोग वो लोग तो नहीं कर सकते जिनकी आई साइड काफ़ी वीक है। मेरी आई साइड वीक है तो मैं जो हूँ ना जब विंटर्स होते हैं तो उसमें बहुत कम ही ड्राइव करती हूँ। देखें कितना चमक रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह ये। सो बस आज का जो है मेरा यही था ब्लॉग, और मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए क्योंकि अभी मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 days तो हो ही चुके हैं। तो लेकिन मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी वो पहले अपलोड कर दी थी जो कि हिना टेंट की थी, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आई कार्ड बटन पे वो चेक कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो आपको कोई भी वीडियो ना मिस आप कर सकें। एंड प्लीज़ वीडियो को जो है ना एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और वॉच टाइम जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किसने क्या देखा, और बहुत ज़्यादा कम वॉच टाइम आ रहा है। अगर आपके पास भी इसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों का वॉच टाइम का भी कोई मसला है, क्योंकि व्यूज़ तो दिख रहा है कि भाई इतने व्यूज़ हैं या उतने व्यूज़ हैं लेकिन बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। सो प्लीज़ ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा, लाइक एंड शेयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।